नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज की इस वीडियो में मैं पोषण ट्रैकर में 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों का टीकाकरण की डेट किस प्रकार से भरेंगे और टीकाकरण में कौन सा टीका कितने महीने के या कितने वर्षों के बच्चों को दिया जाएगा उसकी फुल डिटेल्स आप मेरे वीडियो में देख पाएंगे। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि 0 से 6 मंथ के बच्चों को टीकाकरण का डेट कैसे भरना है, कौन से बच्चे का कौन सा टीका देना है, सारी जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग को पोषण ट्रैकर ऐप में टीकाकरण की डेट भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक को मिस कर दिया था जो कि वो PCV का ऑप्शन था, उसमें शो नहीं हो रहा था या मुझे दिखा नहीं, तो मैं उस टॉपिक को भी इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। और एक आंगनबाड़ी सब्सक्राइबर्स ने मेरे वीडियो पर कमेंट किए हैं कि रोटा वायरस और IPV का ऑप्शन एक ही बार दिखाया जा रहा है, जबकि रोटा वायरस का 3 डोज दिया जाएगा, IPV का 2 डोज दिया जाएगा, तो इसे कैसे भरा जाएगा, इसका सलूशन बताएं। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये इसका सलूशन क्या होगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उनका कमेंट यहाँ पर आया है, तो मैं इनके कमेंट का रिप्लाई इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट करें। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में और वहीं पर आपको सारी जानकारी स्टेप बाई स्टेप समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो आप सभी को अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे 6 महीने से 3 साल के बच्चे की कैटेगरी है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले मैं आपको टीकाकरण की आवश्यकताएँ जो हैं वो मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड जो सभी आंगनबाड़ी बहनों के पास होता है उसका मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने, तो जो भी नए लोग हैं तो उनको कैसे टीकाकरण की डेट और किस माह में टीका दिया जाएगा उसको आप लोग यहाँ से देख के इजीली समझ जाएंगे। तो ये इसलिए मैं बताया कि जो नए लोग हैं उनको समझने में परेशानी ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे 6 महीने से 3 साल वाले बच्चे की कैटेगरी को ओपन करेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी इसमें कंप्लीट मिलेगी। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को आगे ज़रूर देखें। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो 3 डॉट है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे में टीकाकरण का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीकाकरण की सूची खुल के आ जाएगी। टीकाकरण की तिथि भरना है तो उसमें कैसे भरेंगे, तो जो 9 माह से 12 माह के बच्चे हैं उनको यहाँ पे 3 टीके दिए जाएंगे। तो 3 टीके कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पे PCV, MR और JE। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे PCV का ऑप्शन यही है जो कि आप लोग इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे PCV लिख के आ जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, MR। MR का मतलब हो गया यहाँ पे कि खसरा और रुबैला को MR बोलते हैं जो कि दोनों एक ही है। तो आप लोग जब भी बच्चे को MR का टीका दिलवाएंगे तो खसरा और रुबैला दोनों में आप लोग सेम ही डेट डालिएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों टीके में एक ही डेट डाल के सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे हम लोग का आता है
JEE, तो यहाँ पे JEE यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे JEE है तो इंग्लिश में, चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, अब समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि JEE का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोगों को जब भी टीका दिया जाएगा JEE का, उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन डेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी डेट पड़ेगा उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। और फिलहाल अभी तो इसमें 4 ही महीने का डेट शो हो रहा है, तो इसमें जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको आगे भी डेट शो होने लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब 16 से 24 माह के बीच में कितने टीके पड़ेंगे और वो कौन कौन से टीके हैं। और फिर से यहाँ पे MR यानी कि खसरा रुबैला, और JEE, और लास्ट है एक DPT। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, MR के मतलब हो गया यहाँ पे खसरा और रुबैला, इन दोनों को डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे JEE का टीका है, यहाँ पे ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे JEE, और लास्ट में है एक DPT। तो यहाँ पे DPT 1 में हम लोग सेलेक्ट करके जो भी डेट होगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो इतना सारा चीज़ करने के बाद, तो अब आइए बात कर लेते हैं उस कमेंट का जिसने कमेंट किए थे कि रोटा वायरस का 3 डोज डालेंगे और IPV का 2 डोज डालेंगे तो उसका डेट कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पे रोटा वायरस को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो वैक्सीनेशन डेट है यानी कि पहला डोज है उसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे, और डालने के बाद सबमिट कर देंगे। और फिर जब दूसरा डोज का ऑप्शन आएगा डालने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो जो वैक्सीनेशन डेट वाले कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए या आगे चल के चेंज किया जाए। तो अभी तो फ़िलहाल इसका कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई इसका अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के बता दूँगा। उसी प्रकार से यहाँ पे IPV का भी ऑप्शन है, तो IPV का जो डेट है उस डेट को यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद सबमिट कर देंगे। फिर जब नेक्स्ट डोज मिलेगा तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग डाल देंगे। बता दूँ कि DPT 2, यहाँ पे DPT 2 का टीका जो है कि सबसे लास्ट में 5 से लेके 6 वर्ष के बीच में जो टीका पड़ेगा बच्चों को, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे DPT 2 में, और जो भी डेट होगा यहाँ पे डाल के सबमिट कर देंगे। तो आप सभी लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देख ही लिया है, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में अगर फिर भी क्वेश्चन बच जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही ये वीडियो सभी आंगनवाड़ी ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको टीकाकरण की जो भी जानकारी है उनको सही से करने में आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।